सीबीआई की अगर हम बात करें तो सिंपली अब पहले तो हम यही बोल सकते हैं कि इनिशियल जब इसको बनाया था तो एज अ एक इंटेलिजेंस एजेंसी इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो हमारे देश में काम करती है। आती किसके अंदर है? तो सर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, इस मिनिस्ट्री के अंदर ये लाए कर रही है। इस मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री कैसी है? तो ये मिनिस्ट्री पे डायरेक्ट कंट्रोल है पीएमओ का, ठीक है। तो इस पे डायरेक्ट कंट्रोल है पीएमओ का, मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर ये मिनिस्ट्री आती है। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो सीबीआई है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका आ रहा है? पीएमओ का, या फिर सीधा प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट ये करती है। तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से मिलके बनती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरीके की एजेंसी बनाई गई 1941 में। तो 1941 में ये बनाई गई थी। उस टाइम पे ये इसको एज अ स्पेशल पुलिस बनाया गया था। बनाया क्यों किया गया था? तो वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर टू की इंटेल प्रोवाइड करने के लिए, कि वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस फोर्स के नाम से उस टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था, कि वर्ल्ड वॉर टू में जो भी ब्राइबरी के केसेस हैं, ठीक है, वहां पे किसी भी टाइप का अगर कोई करप्शन हुआ है तो उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको बनाया गया। उसके बाद क्या होता है 1946 में, ठीक है, जब बाद में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 आता है तो प्रॉपर इसका फॉर्मलाइजेशन हो जाता है और इसको उस एक्ट के अंदर डाल देते हैं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सीबीआई एक स्टेट्यूटरी बॉडी हो गई है, जिसके लिए एक्ट कौन सा काम कर रहा है? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस एक्ट के थ्रू इसको पावर्स मिलते हैं। रीसेंट में अगर हम बात करें, जो हम लोकपाल एक्ट लेके आए हैं उसमें भी इसको कुछ पावर्स दिए गए। तो सीबीआई के जो पावर्स हैं वो दो एक्ट से निकल के आते हैं, एक तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और दूसरा अगर हम बात करें तो लोकपाल एक्ट, इनसे इसको पावर मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो वहां पे उसके थ्रू उसमें भी ये डील करती है। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक्ट है उसके थ्रू भी इसको पावर मिले हुए हैं कि कहीं पे अगर करप्शन का कोई केस आता है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ रहा है तो उन केसेस में भी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आज तक इसको जो पावर मिले हैं मेनली तो ये दिल्ली स्पेशल फोर्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मिले, लेकिन बाद में करप्शन के मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसको जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें भी पावर दे दिए गए। वहां पे इसको सुपरवाइज कौन करेगा? तो सेंट्रल जो विजिलेंस कमीशन हमने बनाया है वो। ऐसे ही जब लोकपाल एक्ट के अंदर यहाँ पे ये जो काम करेगा उसमें अगर सीबीआई किसी मैटर पे इंक्वायरी कर रहा है तो उस टाइम पे इसको सुपरवाइज करेगा जो देश में लोकपाल होगा, ठीक है, तो जो लोकपाल अपॉइंट किया जाएगा वो। सीबीआई जो है एक नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया में जो इंटरपोल के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। इंटरपोल क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो ये उसके साथ भी मिलकर यहाँ पे काम कर रही है। कुछ और अगर हम चीजों के बारे में बात करें सीबीआई से रिलेटेड, तो जैसे 1963 में एक रेजोल्यूशन लाया तो इसको एज अ स्पेशल पुलिस फोर्स बनाया गया था। तो बाद में प्रॉपर जो आज हम देखते हैं सीबीआई इसका नाम, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम कर दिया गया और इसको होम मिनिस्ट्री के अंदर ला दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये होम मिनिस्ट्री के देखरेख में काम करती है। 1963 में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला कि अब डिफेंस रिलेटेड जो सीरियस क्राइम रहेंगे, कि भारत के डिफेंस को प्रोटेक्ट करना है उससे रिलेटेड अगर कोई सीरियस नेचर का क्राइम यहाँ पे हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का भी हमने काम किसको दे रखा है? सीबीआई को, ठीक है। इसके बाद हाई प्लेसेस पे अगर कोई करप्शन हो रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पे कोई करप्शन हो रहा है, देश में कोई सीरियस फ्रॉड है जैसे विजय माल्या मेहुल चौकसी टाइप के लोगों ने किया है, कहीं पे भी कोई चीटिंग धोखाधड़ी हो रही है या फिर अगर कोई सोशल क्राइम कंडक्ट किया जा रहा है। अब ये सोशल क्राइम कैसे हो गए? तो जैसे आपने जमाखोरी कर ली, जैसे पीडीएस का कोई स्टॉक आना था, जैसे नॉर्मली होता है प्याज वगैरह होता है तो बहुत सारे लोग प्याज की होर्डिंग कर देते तो मार्केट में उसके रेट बढ़ जाते क्योंकि सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा है तो रेट ज्यादा बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले लो कि जैसे मेरे पूरे देश में 10 kg प्याज की सप्लाई है, ठीक है, अब सबको 1-1 kg चाहिए, सारे लोग खड़े हुए हैं वहां पे,
ठीक है, तो इनिशियली तो क्या होगा, सबको एक एक केजी चाहिए और 10 केजी की सप्लाई है, तो दुकानदार ने बोला मैं 10 रुपए केजी बेच रहा हूँ तो सारे ही ले लेंगे। अब इस केस को थोड़ा सा उल्टा कर दो, सपोज 10 केजी की जगह अब आपके पास जो अनियन है वो केवल 5 केजी बचा हुआ है, लेकिन खरीदने वाले 10 लोग हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या होगा, जिनके पास पैसा होगा तो कोई बोलेगा मैं 10 रुपीज केजी की जगह इसके 20 रुपीज केजी देने को तैयार हूँ, तुम मुझे 1 किलो ये प्याज पैक करके दे दो। तो उस केस में अब दुकानदार को क्या लगेगा कि यार ये ज्यादा रेट पर बिक सकती है, तो दुकानदार क्या करेगा, उस जो आइटम है उसके प्राइस बढ़ा देगा। तो जब भी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उस आइटम की प्राइस बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने होर्डिंग करके रख ली, सामान को इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है। तो सामान को जब आपने इकट्ठा करके रखा है तो उस केस में क्या है, मार्केट में सप्लाई हो रही है कम, मार्केट में सप्लाई हुई कम तो उसके प्राइस बढ़ेंगे, जब प्राइस बढ़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, फिर मार्केट में उसको बेच देते हैं, तो ये भी एक टाइप का करप्शन ही है, तो ऐसे केसेस से डील करेगा। फिर ब्लैक मार्केटिंग, कि कोई अगर चीज ऐसी है जो हायर प्राइस की है, कोई ब्रांडेड चीज है और फिर मार्केट में उसको ब्लैक के थ्रू सस्ती प्राइस में बेचा जा रहा है, या पहले से ही उसको डिस्क्लोज करके हायर प्राइस में बेचा जा रहा है, तो इसको बोला जाता है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। इसके बाद जो असेंशियल कॉमोडिटीज हैं उनमें किसी भी टाइप की कोई मिलावट हो रही हो, ठीक है, या फिर जो ऑल इंडिया लेवल पर या जो इंटर स्टेट लेवल पर कोई ट्रेड हो रहा है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहे हैं जो इन सारी चीजों से डील करता है, तो इन सब की इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करेगा, तो इन सब की इन्वेस्टिगेशन करेगा सीबीआई। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही टाइम बढ़ा तो हमने सीबीआई को बोला कि आपको हम और काम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे किसी का असैसिनेशन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे किसी का असैसिनेशन हुआ, किसी का मर्डर हो गया। अब मर्डर किसी का मतलब क्या है, तो जो टॉप मोस्ट पोजीशंस पर है उन लोगों का, या इन जनरल अगर स्टेट बोलती है कि कोई मर्डर केस है इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के थ्रू करानी है, तो वहां पे कहीं पे कोई बड़े लेवल की किडनैपिंग हो गई, कोई प्लेन वगैरह हाईजैक कर लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे कोई क्राइम कमिट किया गया किसी एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू और उसकी आप इंक्वायरी करवाना चाह रहे हो, तो फिर यहाँ पे सीबीआई से बोला जा सकता है और इन सारे केसेस में सीबीआई इंक्वायरी करेगा। लोकपाल एक्ट में भी हमने सीबीआई को पावर दे के रखे हुए, ठीक है, तो लोकपाल एक्ट में सबसे पहली चीज तो हमने क्या बोल दिया कि अब जो सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट होगा उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, तो सीबीआई डायरेक्टर के लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये क्यों, क्योंकि लोकपाल को लेके जब अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाया था तो देश में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब हमने लोकपाल के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसको बनाया है, सीबीआई को, तो इन्होंने बोला नहीं कि हमें इस पॉइंट पे भी रिफॉर्म चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला कि इट इज अ केज्ड पैरेट, कि ये पिंजरे में बंद एक तोता है जिसको पूरे तरीके से पीएमओ रेगुलेट कर रहा है, जो पीएमओ बोलता है ये वही करेगा, तो इन्होंने बोला कि इसकी थोड़ी सी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो लोकपाल में एक रिफॉर्म किया गया कि सीबीआई डायरेक्टर की अब जो अपॉइंटमेंट होगी वो एक कमेटी के थ्रू होगी, उस कमेटी को हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, उस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, फिर इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे इन्होंने बोला, लेकिन जब लोकपाल एक्ट आया, ठीक है, तो उस टाइम पे मोदी जी की सरकार आ चुकी थी 2014 में, क्योंकि इलेक्शन हुए थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि जो भी पार्टी अपोजिशन का लीडर कौन सी पार्टी से बनेगा, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो और मिनिमम अगर उसने 1/10 या 10% सीट लेके आई हो वहां पे लोकसभा में, ठीक है, तब ही जाके वो वहां पे अपोजिशन पार्टी का लीडर बन सकता है। तो इसके हिसाब से कांग्रेस के पास होनी चाहिए थी 55 सीट्स, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस के पास 55 सीट्स नहीं थी, या किसी भी अपोजिशन पार्टी में सिंगल लार्जेस्ट तो कांग्रेस ही थी, लेकिन और भी अगर हम पार्टी देखें तो किसी के पास भी मिला के 55 सीट्स नहीं थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो नहीं पाया। अब जब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था तो इन्होंने बोला कि हम डायरेक्टर को कैसे चूज करेंगे, एक मेंबर कम पड़ रहा है, तो फिर बाद में डिसाइड किया गया कि ऐसे आप मैटर को बार बार टाल नहीं सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अवेलेबल नहीं है तो जो लीडर होगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, ठीक है, उसको आप यहाँ पे बुलाओगे। इसके बाद चीफ जस्टिस होगा इंडिया का, या फिर चीफ जस्टिस अगर नहीं आ रहे तो उसकी एब्सेंस में कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट का जस्ट जिसको चीफ जस्टिस वहां पे भेज रहा है, तो वो,
तो ऐसे यहाँ पे तीन मेंबर होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कोर्ट का जज, इधर सुप्रीम कोर्ट का वो नॉर्मल जज भी हो सकता है और चीफ जस्टिस भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट होगा या सॉरी सिलेक्ट होगा। अब सिलेक्ट करने के लिए भी कैसे, जिन जिन के नाम आएंगे वो कहाँ से आएंगे, तो जो होम मिनिस्ट्री रहेगी, जो हमारा गृह मंत्रालय रहेगा, वो डीओपीटी को, इनिशियली ये किस में आ रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस में, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। तो ये डीओपीटी को क्या भेजेगी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे जो डायरेक्टर बनने लायक होंगे उनकी एक लिस्ट भेजी जाएगी। फिर डीओपीटी क्या करेगा, उन सारी लिस्ट में से कुछ फाइनल लोगों के नाम चूज करेगा, ठीक है, कि ये लोग फाइनल है, इनके नाम हम चूज कर रहे हैं। फिर उन, जैसे उसने डीओपीटी ने बोला कि, जैसे होम मिनिस्ट्री ने बोला कि हम आपको 50 नाम दे रहे हैं, दीज आर एलिजिबल पर्सन, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, डीओपीटी ने उन 50 में से 5 लोगों को सिलेक्ट कर दिया। फिर उन 5 में से ये जो कमेटी है हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ये सिलेक्ट करने वाली है। तो अब ये जो 50 लोग होम मिनिस्ट्री सिलेक्ट कर रही है वो तो उसने दे दिया अपने अकॉर्डिंग, अब डीओपीटी उनमें से जो 50 में से 5 उठाएगी वो किस बेसिस पे, तो पहले तो वो सीनियोरिटी देखेगी कि कितना सीनियर है या नहीं है, ठीक है, मतलब सबसे सीनियर कौन है उनमें से वो देखेगा। दूसरा इंटेग्रिटी वाली बात, कि उसने जितने टाइम पे जॉब की है तो कितने ऑनेस्टली उसने जॉब की है, उसकी इंटेग्रिटी कितनी अच्छी रही है। इसके बाद तीसरी चीज होगी कि जो करप्शन के केसेस हुए हैं उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही है, तो एंटी करप्शन केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेन करप्शन की ही बात हो रही है। अब ये तीनों चीजें जब वो देख लेंगे, इनके बेसिस पे 5 नाम सेलेक्ट करेंगे, वो कमेटी को भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग कमेटी उन 5 में से एक को ही नाम सेलेक्ट करेगा, ये नाम होगा मेजॉरिटी बेसिस पे, ठीक है। मेजॉरिटी बेसिस का मतलब क्या हो गया, कि ये जो 3 मेंबर हैं तो एटलीस्ट 2 उसमें से एग्री करना चाहिए, ठीक है। तो जब 2 मेंबर एग्री कर जाएंगे वहां पे, तो उसको सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। अब जो डायरेक्टर रहेगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तो सर 2 साल के लिए, 2 साल का टेन्योर यहाँ पे दिया गया है। ये टेन्योर कहाँ पे लिखा है, तो जो हम सीबीसी एक्ट लेके आए थे 2003 में, वहां पे ही हमने मेंशन कर दिया था। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सीबीआई है, बॉडी तो एक है लेकिन इसको पावर या इसके फंक्शंस या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अलग अलग एक्ट में अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया, इसके बाद अगर हम बात करें लोकपाल एक्ट हो गया, और फिर सीबीसी एक्ट। तो ऐसे अलग अलग एक्ट से इसको पावर्स मिलेंगे, ठीक है, इसके फंक्शन से डिसाइड होंगे और इसका स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। अब अगर हम बात करें कि रिसेंट में सीबीआई को लेके कुछ चैलेंजेस सामने निकल के आए हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये केज्ड पैरेट है, मतलब ये एक तोता है, तोते के जैसा है, जो कि क्या है, पिंजरे में बंद है, जो केवल जो उसका मास्टर है उसकी ही आवाज सुनता है और उसके कहने पर ही काम करता है। मास्टर कौन है यहाँ पे, तो सर पीएमओ, तो ये केवल पीएमओ के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है, उसके जैसा ही चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि जब भी सीबीआई काम करती थी तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता था, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फ्रीली काम नहीं कर रहा है, जो नेता लोग बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये काम कर रहा है। इसके बाद सीबीआई को दूसरा डेंट लगा कब, तो जब नोएडा का डबल मर्डर केस हुआ, जिसको फेमसली हम हेमराज आयुषी तलवार मर्डर केस से जानते हैं, ठीक है, तो हेमराज आयुषी तलवार जब मर्डर केस हुआ, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे सबसे बड़ा इसको लॉस लगा। यहाँ पे सीबीआई की क्रेडिबिलिटी वाली बात आई कि आपने बोला देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन ये इस केस को नहीं सुलझा पा रही है, आज भी वो केस मिस्ट्री है, आज भी अनसॉल्वड है, अभी भी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसकी क्रेडिबिलिटी को तब यहाँ पे आप बोल सकते हो एक झटका लगा कि जब ये इस केस को नहीं सुलझा पाई। दूसरा क्या, सीबीआई को हमने बोला कि ये एक फास्ट प्रोसेसिंग के जैसे काम करेगी, ठीक है, तो ये बहुत ही स्मूथली काम करने वाली, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि सीबीआई के जो केसेस होते हैं उनमें डिले बहुत ज्यादा होता है, तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने में या उसको कंक्लूड करने में ये डिले बहुत ले रही है, तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे आई। तीसरी प्रॉब्लम है सर अकाउंटेबिलिटी पे, कि सीबीआई
को हम अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने आरटीआई एक्ट बनाया तो आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस में से हमने सीबीआई को बाहर रखा, मतलब सीबीआई से आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो उसके लिए आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है सीबीआई के केस में, मतलब हम इसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, आपने काम तो बहुत सारे दे दिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर भी दे दिया, लोकपाल एक्ट के अंदर भी दे दिया, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी दे दिया है, ठीक है, फिर सीबीसी एक्ट के अंदर दिया, लेकिन उतने सारे आपने इनको ऑफिसर्स या जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो प्रोवाइड नहीं किए। तो यहाँ पे एक एक्यूट शॉर्टेज है किसका, जो पर्सनल्स यहाँ पे काम करते हैं, तो उनकी वजह से भी डिले होता है या चीज़ें टाइम पे सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था जिसमें हमने सीबीआई के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो ये चहल एकेडमी की वेबसाइट और चहल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।